पटेलों के अंदर बहुत जागरूकता आई है। एक पटेल जो है बीजेपी के स्लाटर पे ले जाकर पटेलों का गर्दन काट रहे हैं अनुप्रिया जी, इससे पटेल खिन्न हो गया है। वो बहुजन समाज पार्टी में जो है बहन मायावती के साथ, आप देख लीजिए कितनी सीट पाती हैं, इसीलिए उनको जो है बहकावे में ला करके बीजेपी नीचे धरती में धस रही है। तो उनको 14 के बजाय 18 सीट दे दिया, आप अपने नाम पर जीत के आओ, लेकिन उनको वोट मिलने वाला नहीं है। इसका अगली बार 9-10 सीट की जीत की गई है, इस बार को 2 सीट मिलना मुश्किल हो जाएगा। सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रबुद्ध सम्मेलन किया, बहन जी ने जगह जगह घूम करके किया, हम समय से पहले अपना काम पूरा कर चुके हैं। हम दिखावा क्यों करें बिलावजह, हम दिखावा नहीं करते, हम काम करते हैं। और सबसे बड़ा हमारा संगठन इतना मजबूत है, वो बूथ बूथ पर काम करता है, लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है, 500 रुपया देकर भीड़ में लाने की जरूरत नहीं है, ये तो वैसा जनसाला वोट पड़ता है, कोई जरूरत ही नहीं है। आप जो गठजोड़ की बात करते हैं, सारे लोगों ने अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए गठजोड़ किया है। बहन मायावती जी ने पार्टी से गठजोड़ नहीं किया है, बल्कि समाज से गठजोड़ किया है कि हम सारे जातियों को एक साथ मिला करके जो है हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। उन्होंने समाज से जो गठजोड़ किया है, किसी पार्टी से गठजोड़ नहीं किया है। अकेले दम चुनाव प्रकाश राजभर ने जो है राजभर की राजनीति की बीजेपी के साथ गए, जब उन्होंने देखा कि हमारे समाज को कुछ भी नहीं मिलना हुआ तो उन्होंने वहाँ से हट गए। और अनुप्रिया जी वही कर रही, वो भले चिपकी रहे लेकिन कुर्मी समाज पटेल समाज इस बात को जानता है, इसलिए उनसे हट करके वो बहन मायावती में विश्वास रखता है। क्या नाम है जनाब आपका? डॉक्टर रामसूरत पटेल। पटेल साहब जौनपुर से? जौनपुर से जी। जौनपुर धनंजय सिंह वाला क्षेत्र? नहीं, हमारा मड़ियाव क्षेत्र। अच्छा, मड़ियाव उधर, मड़ियाव जफराबाद। तो जौनपुर से इधर? हाँ, बड़बम्बर मेरे मंडल का जो है तो हमको अच्छा, आना आपके मंडल में ही है ये आपके मंडल में ही आता वहाँ से। अच्छा पटेल साहब, पटेल अपनी अलग पार्टी बना के बैठे हैं, वो बीजेपी के साथ चले गए थे पिछली बार, अब की बार क्या कहेंगे पटेलों का? पटेलों के अंदर बहुत जागरूकता आई है। एक पटेल जो है बीजेपी के स्लाटर पे ले जाकर पटेलों का गर्दन काट रहे हैं अनुप्रिया जी, इससे पटेल खिन्न हो गया है। वो बहुजन समाज पार्टी में जो है बहन मायावती के साथ है। बहन मायावती के साथ है जी? हाँ। अच्छा, हाँ। तो पटेलों की राजनीति जो है कितनी सवर पाई पिछले अगर हम 5 साल में देखें, क्योंकि वो तो सत्ता नहीं, में रहे, डबल इंजन सत्ता में रहे लेकिन सत्ता में कुछ कर नहीं पाए, उनकी बात नहीं सुनी गई। उन्होंने अभी पिछड़े वर्ग पर उन्होंने कहा कि जनगणना होनी चाहिए, जनगणना को अवॉइड किया गया जो है, तमाम जगह उनको नौकरियां नहीं दी गई, 69,000 की भर्ती हुई उसमें कुछ नहीं किया गया, तो इसलिए वो समाज जो है बिल्कुल दुखी है। वो बहन मायावती की, लेकिन अनुप्रिया पटेल तो वही फेविकोल से चिपकी हुई है। नहीं, फेविकोल से चिपकी है, वो अकेले चिपकी है ना, अकेले किसी को नहीं छुड़ाया जा सकता ना, समाज बहन जी के साथ है। लेकिन भाई उनका दामोदार तो समाज का उनके है, वही कहती है नहीं, वो कहती है ना, बार्गेनिंग तो वही वो कहती है ना। इस बार चुनाव में आप देख लीजिए कितनी सीट पाती हैं, इसीलिए उनको जो है बहकावे में ला करके बीजेपी नीचे धरती में धस रही है। तो उनको 14 के बजाय 18 सीट दे दिया, आप अपने नाम पर जीत के आओ, लेकिन उनको वोट मिलने वाला नहीं है। इसका अगली बार 9-10 सीट की जीत की गई हैं, इस बार को 2 सीट मिलना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अमूमन तौर पर देखा गया कि प्रदेश में जब कोई नेता समाज की या किसी जाति की राजनीति करता है, जैसे पटेलों की मान लीजिए, राजभरों की मान लीजिए, निषादों की मान लीजिए, तो उनको एक प्रतिनिधित्व मिल जाता है कि हम आपकी जो मांगे हैं तमाम उनको मान लेंगे। लेकिन ऐसा होता है कि प्रदेश में सरकार किसी और पार्टी की होती है और केंद्र में किसी और की होती है। जैसे तो ओम प्रकाश राजभर ने जो है राजभर की राजनीति की बीजेपी के साथ गए, जब उन्होंने देखा कि हमारे समाज को कुछ भी नहीं मिलना हुआ तो उन्होंने वहाँ से हट गए। और अनुप्रिया जी भी वही कर रही, वो भले चिपकी रहे लेकिन कुर्मी समाज पटेल समाज इस बात को जानता है, इसलिए उनसे हट करके वो बहन मायावती में विश्वास रखता है। बहन मायावती जी? हाँ। अच्छा, मायावती पर क्यों विश्वास? ऐसा इसलिए कि बहन जी जो कहती है वो सत्य कहती है, सत्य करती है। लेकिन आप छिनका क्यों? नहीं, इनके जमाने में पुलिस की जो भर्ती हुई थी वो चिप्स लगा के हुई थी, कहीं से ये नहीं था कि अपारदर्शिता थी, पारदर्शिता थी। और कुछ फिर 17 में क्या हो गया था? 17 में हो क्या, लोग वही बताए कि झूठा वादा लेके आए, झूठे वादे के साथ वही नहीं गए, तमाम सब लोग चले गए और सब लोग हाशिए पा गए। लेकिन सबको पता है आज स्वामी प्रसाद मौर्य हो चाहे वो जो है ये सब लोग हों, अपना वहाँ से हट गए, जिनको अच्छा लगा उधर गए, नहीं तो बहन मायावती जी विश्वास किया भर, लेकिन जनता बहन मायावती जी के साथ है। लेकिन इस बार जो फायदा होने वाला है, क्योंकि तमाम पार्टियां अखिलेश यादव भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, बीजेपी का ताहाल ऐसा ही है खैर, लेकिन बीएसपी भी अपनी ताल ठोक रही है, कह नहीं रही है लेकिन वो दिखा रही है कि हाँ, वो भीड़ के द्वारा दिखा रही है कि मैं कहाँ हूँ। बहन जी ने जो है 2007 में किसी ने नहीं कहा था कि बहन जी की सरकार आएगी, ठीक है, लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ आई। आज भी जो है आप बुरा मत मानिएगा, पत्रकार साथी हैं, पत्रकार साथी जो मीडिया के लोग हैं हमारी बात को नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन हम पूर्ण ठीक है, आप दिखाएं, मैंने आपको नहीं कहा और लोगों को कहा जो अटैच है जो है, तो वो भले हमारी बात को दिखा, लेकिन हम पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं। पूर्ण बहुमत के? हाँ, बगैर हमारे कोई सरकार बनाने वाला नहीं है। आप पूर्ण बहुमत के साथ भी आ रहे हैं, आप कह रहे हैं हमारे बगैर सरकार भी नहीं बनेगी। चलिए,
मैंने क्या कहा, बगैर मेरे जो है मैं पूर्ण बहुमत में आ रहा हूँ तभी तो किसी की सरकार नहीं बनेगी। फिगर भी बता दीजिए कितनी सीटें आ रही है। कम से कम 210 सीट। 210 सीट मतलब पहले से ज्यादा, 207 आई थी। हाँ 210। आपका अनुमान सही हो, लेकिन अगर हम पश्चिम की बात करें और पूर्वांचल तक हम यहाँ आए हैं, तो पश्चिम में एक लहर चली थी कि मुसलमान जो है वो सपा पे चला गया है पूरा, लेकिन इधर का माहौल क्या है? मुसलमान है मुसलमान बसपा के साथ है जो है, हाँ हर जगह बसपा के साथ है। मुसलमानों को पता है कि बहन जी ने 3 बार बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन कभी जो है इस तरह के दंगे फसाद नहीं हुए थे। यदि कोई एक भी दंगा हुआ हो तो मैं चुनौती देता हूँ लोगों को, हमको बता दे। अच्छा एक चीज़ और थी कि नैरेटिव ये भी फैलाया जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया हैं वो निकलती नहीं है बाहर, चुनाव के टाइम में निकली है, अभी सर्दी लग रही है। सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रबुद्ध सम्मेलन किया, बहन जी ने जगह जगह घूम करके किया, हम समय से पहले अपना काम पूरा कर चुके हैं, हम दिखावा क्यों करें बिला वजह? हम दिखावा नहीं करते, हम काम करते हैं। और सबसे बड़ा हमारा संगठन इतना मजबूत है, वो बूथ बूथ पर काम करता है, लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है, 500 रुपया देकर भीड़ में लाने की जरूरत नहीं है, ये तो वैसा जनशाला उमड़ पड़ता है, कोई जरूरत ही नहीं है जो है। अब की बार क्या लग रहा है आपको कि अब की बार पटेलों का वोट हो गया, फिर और तमाम और ओबीसी जो जातियां हैं और किस किस जातियों का वोट आपको? हमारे साथ निषाद हैं, हमारे साथ राजभर हैं, हमारे साथ लोहार हैं, कुहार हैं, धोबी है, धैकार है, और दलित समाज तो पूरा झूम के है। तो हम इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए? 20% आप जोड़ लीजिए दलित, 20%। लेकिन फिर तो जनाब आप बहुमत से बहुत आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल बहुमत से आगे निकल जाएंगे, इसीलिए तो कह रहे हैं ना। आप तो 210 पे हट के हो। नहीं 210 क्या है, ठीक है, एक अनुमान मैंने बताया, मैंने वो तो मैं झीट बोल थोड़ी बता रहा हूँ, मैं अनुमान बता रहा हूँ 210 के इर्द गिर्द में हम रहेंगे। तो आगे की जो भूमिका है वो, क्योंकि आज लास्ट है बहन जी की जो रैली है, आज लास्ट है, उसके बाद जो है चुनाव मतदान रह जाएगा। जी जी मतदान शायद 7 तारीख को लास्ट तारीख, 7 तारीख तो 7 को यहाँ होगा इस आपके मंडल में। हाँ हाँ। तो यहाँ से कितनी सीटें मान के चल रहे हैं आप इस मंडल से? इस मंडल से कुल मिला करके 5 है, कंफर्म है हमें यहाँ से। अरे मंडल की बात कर रहे हैं आप, समझा करो इस बात को जो है, मंडल की बात, वाराणसी मंडल से, वाराणसी मंडल से हम कम से कम 20 सीट जीत के आएंगे। 20 सीट जीत गए। अच्छा 20 सीटें, कितने 57 सीटें, कितनी सीटें? 28 सीटें। 20 सीटें आप जो है जीतने का दमखम दिखा रहे हैं। अच्छा अगर यहाँ पर एक समीकरण की बात और करते हैं लोग, कि जो पिछड़ों की राजनीति है वो पूर्वांचल के इसी क्षेत्र से उभरती है। जी जी। ऐसे में जो गठजोड़ बना, जो अखिलेश यादव ने एक महागठबंधन बनाया, वो भी यहाँ के कुछ तमाम नेताओं को लेकर, वो कितना इफेक्ट कर सकते हैं? साथियों बारे में थोड़ा बताओ। सही है, आप जो गठजोड़ की बात करते हैं, सारे लोगों ने अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए गठजोड़ किया है। बहन मायावती जी ने पार्टी से गठजोड़ नहीं किया है, बल्कि समाज से गठजोड़ किया है कि हम सारे जातियों को एक साथ मिला करके जो है हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। उन्होंने समाज से जो गठजोड़ किया है, किसी पार्टी से गठजोड़ नहीं किया है, अकेले दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। नेताओं का पत्ता काट दिया सब, नेताओं का पत्ता जो नहीं चलने लायक रहा उसको, ताकत है वो कट जाएगी जो है, जो नहीं चलने लायक है, जो मेरे बल पर चलता है उसको हम कब तक खिसकाते रहेंगे, कब तक हम लाते रहेंगे जो है? हम स्वयं जो है इस तरह के काम करेंगे, हम अच्छे प्रत्याशी को लाएंगे जो हमारे समाज में काम करे, हम समाज में घूम कर काम करे, और क्यों लखनऊ में यासी करे, ऐसे लोगों को हमको जरूरत नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।